नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज 26 जनवरी 2024 का दिन है। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज गणतंत्र दिवस भी है। 75वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मेरी पर्सनल विभाग की तरफ से और भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ, अभिनंदन। अगर हम बात करें आज रात्रि और आज सुबह की कोहरे की, तो ये जो इंडो गैंगटिक प्लेन्स हैं, इसमें आज भी सुबह के टाइम पे और रात्रि के टाइम पे घना कोहरा देखने को मिला। अगर हम पंजाब से स्टार्ट करें तो अमृतसर और इसके साथ साथ पटियाला, अंबाला, लुधियाना, ये सब पॉकेट्स में भी 25 से 50 मीटर की विजिबिलिटी देखने को मिली। अगर हम हरियाणा की बात करें तो अंबाला, जैसा कि मैंने बताया, वहाँ पर भी डेंस फॉग की स्थितियाँ देखने को मिली हैं। हरियाणा में हिसार में भी, दक्षिणी हरियाणा में भी 50 मीटर तक की विजिबिलिटी देखने को मिली। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पालम में सुबह के टाइम 100 मीटर तक की विजिबिलिटी थी और सफदरजंग में भी 200 से 300 मीटर की विजिबिलिटी, 5.5 से 7.5 के बीच में और 7.5 से लेकर के 8.5 के बीच की अगर हम बात करें तो इम्प्रूवमेंट हुआ और 400 मीटर तक की विजिबिलिटी सफदरजंग में 8.5 के आसपास देखने को मिली। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर स्टेशंस में घने से अत्यधिक घना कोहरा देखने को मिला है, जहां पर 25 से 50 मीटर तक की विजिबिलिटी, चाहे वो बरेली हो, बनारस हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, गोरखपुर हो और चाहे झांसी का दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, सब जगह घना कोहरा और 25 से 50 मीटर तक की विजिबिलिटी देखने को मिली है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी खासतौर से उत्तरी पश्चिमी जो राजस्थान है, गंगानगर, वहाँ पर भी 25 मीटर तक की विजिबिलिटी देखने को मिली। और अगर हम उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर में भी 25 से 50 मीटर तक की विजिबिलिटी सुबह के टाइम पर देखने को मिली है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी घना कोहरा देखने को मिला है। जो गया और उसके आसपास के क्षेत्र थे वहाँ पर घना कोहरा देखने को मिला है। इसके साथ साथ जो भागलपुर आदि क्षेत्र थे बिहार के, वहाँ पर भी आज सुबह 50 मीटर तक की विजिबिलिटी देखने को मिली। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि बिहार में भी घने से अत्यधिक घना कोहरा आज सुबह देखने को मिला है। अगर हम उत्तरी बंगाल की बात करें, खासतौर जो हमारा उप हिमालयी क्षेत्र है बंगाल का, वहाँ की बात करें तो कूच बिहार में भी आज सुबह के टाइम पे 50 मीटर तक की विजिबिलिटी देखने को मिली है। अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में भी असम में धुबरी और अगरतला, जो हमारे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के जो रीजन्स हैं, वहाँ पर भी त्रिपुरा, अगरतला, मिजोरम, ये सब क्षेत्र में भी 25 से 50 और कहीं कहीं पर 200 मीटर तक की विजिबिलिटी देखने को मिली। कुल मिला के पूर्वोत्तर में भी मॉडरेट से डेंस स्तर की विजिबिलिटी आज सुबह और आज रात्रि में देखने को मिली है। अगर हम शीत दिन, जिसको हम कोल्ड डे बोलते हैं, तो सीवियर कोल्ड डे से कोल्ड डे तक की स्थितियां कई स्थानों पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखने को मिली और कुछ एक स्थान थे राजस्थान, उसके साथ साथ बिहार, उत्तराखंड में और एक दो पॉकेट्स थे पश्चिमी मध्य प्रदेश के, जहां पर कोल्ड डे की स्थितियां देखने को मिली। कोल्ड वेव की अगर हम बात करें तो कोल्ड वेव कुछ एक पॉकेट्स थे जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, उसके साथ साथ झारखंड थे, जहां पर इक्का दुक्का स्टेशन पर कोल्ड वेव की स्थितियां भी देखने को मिली है। अगर हम ग्राउंड फ्रॉस्ट की बात करें पाला की, तो पाला उत्तराखंड में एक दो स्थान पर दर्ज किया गया है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा पिछले 24 घंटे में कहीं पर भी दर्ज नहीं की गई है, सिवाय हल्के स्तर की वर्षा जो है कुछ एक पॉकेट्स जो है पूर्वी भारत वहाँ पर, और इसके अलावा जो हिमालय का क्षेत्र जिसमें जम्मू कश्मीर, वहाँ पर हिमपात होने की सूचनाएं हैं कद्दूका पॉकेट्स में। अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर पूरे ही उत्तर भारत में अभी 10 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस और कुछ एक पॉकेट्स 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक के ब्रैकेट में टेम्परेचर मिनिमम दर्ज किए जा रहे हैं। अगर हम डिपार्चर की बात करें तो डिपार्चर उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर पॉकेट्स में सामान्य स्थिति में, कुछ एक पॉकेट्स जैसे हिसार आदि, जहाँ पर आज सबसे कम टेम्परेचर दर्ज किए जा रहे थे, वहाँ पर अभी डिपार्चर 5 डिग्री से कम है। अदरवाइज़ ज़्यादातर पॉकेट्स में पूर्वी और उससे सटा हुआ जो मध्य भारत, महाराष्ट्र का, उत्तरी महाराष्ट्र का रीजन और उत्तर पश्चिम भारत, वहाँ पर टेम्परेचर या तो सामान्य या सामान्य से कम है। कुछ एक पॉकेट्स में टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल अभी चल रहे हैं। अगर हम अधिक तापमान की बात करें तो अधिक तापमान भी 12 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस के ब्रैकेट में ज़्यादातर उत्तर भारत के स्टेशंस में दर्ज किए गए। कुछ एक पॉकेट्स थे जहां पर टेम्परेचर उत्तर पश्चिम भारत के, खासतौर से जहां पर इक्का दुक्का पॉकेट्स थे, जहां पर टेम्परेचर 12 से लेकर के 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किए गए। और ज़्यादातर पॉकेट्स में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत, जिसमें बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र शामिल है, सामान्य टेम्परेचर सामान्य से कम दर्ज किए जा रहे थे। कुछ एक पॉकेट्स थे जहाँ पर टेम्परेचर 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक भी, खासतौर से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में दर्ज किए जा रहे थे सामान्य से कम। इसलिए वो पूरे ही पॉकेट्स में कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे की स्थितियाँ
कल शाम को देखने को मिली हैं। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि अभी फॉग जो है लेयर पिछले एक महीने से लगातार देखने को इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में देखने को मिल रही थी, जैसा कि आज सुबह भी देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो आने वाले दो से तीन दिनों तक पंजाब हरियाणा में घने से घना कोहरा देखने को मिलते रहने की संभावना, उसके बाद उसमें कमी आने की संभावना है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में घना कोहरा आने वाले 5 दिनों तक बने रहने की संभावना है। अगर हम कोल्ड डे की बात करें तो कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे की स्थितियां भी आने वाले 2 दिनों तक बने रहने की संभावना है, जहां अभी हमने देखा उसके बाद उसमें कमी आने की संभावना है। अगर आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास सिनॉप्टिक सिस्टम अभी एक पश्चिमी विक्षोभ के रूप में उत्तरी पाकिस्तान के आसपास मध्य क्षोभ मंडल में एक ट्रफ के रूप में देखा जा रहा है। और अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो निम्न क्षोभ मंडल में एक पश्चिमी राजस्थान में एक उत्तरी बांग्लादेश में सर्कुलेशन बने हुए हैं। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन जो है मालदीव एरिया से लेकर के दक्षिणी तीर कर्नाटका तक केरला से होते हुए निम्न क्षोभ मंडल में देखी जा रही है। इन सब सिनॉप्टिक सिस्टम्स और विंड्स जो हवाएं चल रही हैं उनके प्रभाव में अगर हम देखें तो घना कोहरा आने वाले हमने यहाँ पर 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में लाल रंग और ऑरेंज कलर हमने पंजाब हरियाणा और बिहार को दे के रखा है घने से अति घना कोहरे के लिए। बाकी येलो कलर राजस्थान पश्चिम मध्य प्रदेश उड़ीसा सिक्किम इसके साथ साथ असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा और उत्तराखंड को येलो कलर आने वाले 2 दिनों तक दे के रखा है। इसके बाद इसमें कमी हालांकि पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 28 तारीख की रात और 29 तारीख की सुबह भी ऑरेंज कलर है। और अगर 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख में हमने अभी ऑरेंज कलर नहीं दिया कहीं पर, येलो कलर दे के रखा हुआ है जिसमें खास तौर से पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र शामिल है। 30 तारीख की बात करें यानी 31 की सुबह की बात करें तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए येलो कलर है घने कोहरे के लिए। अगर हम कोल्ड डे की बात करें तो कोल्ड डे जैसे आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमने लाल रंग दे के रखा है, ऑरेंज कलर हमने पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ बिहार को दे के रखा है 2 दिन के लिए। इसके बाद इसमें कमी आने की संभावना को देखते हुए हमने डे 3 की बात अगर करें तो डे 3 में जो है ऑरेंज कलर उत्तर प्रदेश को और येलो कलर हमने पश्चिमी राजस्थान और बिहार को दे के रखा है। इसके बाद ये कंटिन्यू हमने किया है आने वाले 3 दिनों तक यानी कि 28 से लेकर के 30 तक। लेकिन जो मेन स्पेल है वो आज और कल है जिसमें उत्तर प्रदेश रेड कलर के साथ है। उसके अलावा कोल्ड डे की वजह से बिहार और पश्चिमी राजस्थान को भी कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे के लिए ऑरेंज कलर दे के रखा है। अगर हम कोल्ड वेव की बात करें तो कोल्ड वेव की स्थितियाँ जो है आज पंजाब हरियाणा और कुछ एक पॉकेट्स उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हैं। उड़ीसा में भी एक दो पॉकेट्स में कोल्ड वेव कल सुबह को देखने को मिल सकती है और यही संभावना है कि ये 2 दिन तक बनी रहेगी। उसके बाद इसमें डे 3 से यानी 28 तारीख से हमने कोई भी वार्निंग कोल्ड वेव की देखे नहीं रखी है। अगर भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आने वाले 24 घंटे में होने की संभावना है और वहाँ पर फेली वाइड स्प्रेड रेनफॉल यानी कि कई स्टेशन होंगे जो हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा को रिपोर्ट करने की संभावना है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। अगर हम बात करें घने कोहरे और कोल्ड डे की वजह से तो खासतौर से घने कोहरे में सावधानी बरतनी होती है। जो हाईवेज पे चल रहे हैं सड़कों पे चल रहे हैं उनको फॉग लाइट्स यूज़ करने की संभावना, अपनी स्पीड को कम रखने की स्पीड कम रखने की वो ज़रूरत है। इसके अलावा जो यात्री लोग हैं जो ट्रेन से जाने वाले हैं हवाई जहाज़ से यात्रा करने वाले उनको अपने घर से निकलने से पहले अपनी स्थिति जान लेनी चाहिए कि ट्रेन की क्या स्थिति है, रनिंग स्टेटस क्या है। और ऐसे ही हवाई जहाज़ के लिए भी निकलने से पहले इंक्वायरी कर लें कि हवाई जहाज़ कहीं देर से तो नहीं है ताकि अननेसेसरी रेलवे प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट्स पे भीड़ ना बढ़े, तो ये आपकी सुविधा के लिए है। बाकी कोहरे के लिए मुख्य रूप से जो सड़क पे चल रहे हैं उनको हाईवेज पे बहुत ही स्पीड को कम रखने की ज़रूरत है और अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि दूसरों को भी नुकसान हो आप भी सेफ रहें। तो इसी के साथ इसी शुभकामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस की पुनः एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएँ और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।